आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन, जो बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप कलर देख के समझ सकते हैं किस तरीके से बनेगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी कुकिंग में। तो यहाँ पे ना हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और साथ ही में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे 2 प्याज और 2 टमाटर बारीक काट लिए हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे हमने डाला है सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद में जब अच्छा गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। यहाँ पे ना मैं पकाते पकाते गैस ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है। और इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट करना है हमको प्याज को, और थोड़ा सा पका लेना है। और बनाते बनाते यहाँ पे मेरा गैस ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ना इंडक्शन का यूज़ किया, थोड़ा सा उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था तो बार बार बंद हो रहा था, तो बनाने में मुझको बहुत दिक्कत हुई। तो यहाँ पे जब अच्छा सा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया तब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही हमको इसे पकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज और लहसुन अदरक वो भी पक चुके हैं, मतलब कच्चापन दूर हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद हमें ना इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा था कि कढ़ाई बार बार ना हिल रही थी, घूम रही थी, बार बार स्लिपरी रहता है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से बना रही थी, कर रही थी। तो यहाँ पे अच्छे से हमें ना चिकन को मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं प्याज और जो अदरक लहसुन है उस तो बहुत ज़्यादा मैंने सॉफ्ट नहीं किया है, पकाया नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एक मसाले ऐड कर लेंगे। हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, साथ में स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे हमारा बारीक कटा हुआ टमाटर। इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है, अच्छे से पूरा ना अच्छे से मिला लीजिए। और इसे अभी पानी वानी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इसे हमको अभी फ़िलहाल स्लो आंच पे ही पकाएंगे, और इसे इसी तरह से पकाएंगे। और इस जो हमारा चिकन में जो पानी है उसी में जो पानी निकलेगा उसी में इसे ही पकाएंगे, और इसको हम ढक के पकाएंगे थोड़ी थोड़ी देर। तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास समथिंग में पानी ऐड कर रही हूँ, और बाकी जो चिकन का पानी है वो रहेगा। तो इसे अच्छे से मैंने आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे हम इसी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के पका लेंगे। तो बीच बीच में हम चेक भी करेंगे कि कैसा बन रहा है, नीचे लगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं इंडक्शन में बना रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आता है उतना, मैं बनाती नहीं हूँ इंडक्शन में, ज़्यादा मैं गैस का ही यूज़ करती हूँ। तो बीच बीच में आप चेक कर लीजिए कि कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिकन का भी जो पानी था बहुत ही ज़्यादा, वो भी निकल चुका है। तो इसी में हम चिकन को पकाएँगे, यहाँ पर प्याज टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट हो जाएंगे। तो तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत पानी आ चुका है, अब इसी पानी को हम अभी बिना ढके ही इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो पूरा सॉफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ पे हमने 1 चम्मच चिकन मसाला डाला है, यहाँ पे किचन किंग चिकन मसाला ऐड किया है मैंने। और इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ऑलमोस्ट पूरा जो पानी है वो सोख ना हो जाए। यही पानी से हम ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ही थिक ग्रेवी रहेगी, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और बहुत ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग ज़रूर इसे बनाइए, ट्राई करिए। तो यहाँ पर इसी तरह से आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में चला रही हूँ, और बहुत ज़्यादा पानी सोख हो चुका है, तो जितना पानी भी हमको नहीं रखना है, ग्रेवी हमको और कम करनी है। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से चला लेंगे, और यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से चलाएंगे। अब बीच बीच में ना मैं बोल रही हूँ ना कि इंडक्शन गर्म हो रहा था ज़्यादा, तो बंद हो रहा था, मतलब हीट हो रहा था, तो फिर मुझे बंद करके चालू करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जो थोड़ी सी ग्रेवी हो और थोड़ी सी थिक रहेगी, जो रोटी के साथ में, नान तंदूरी के साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगी, कम ग्रेवी रहेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं थोड़ा सा थोड़ा चलाते हुए पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम का, मानो फ्लेम थोड़ा सा कमी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ, जो इसमें फ्लेवर है बहुत अच्छे से आ जाए। इसी तरीके से हम स्लो आंच पे धीरे धीरे पकाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ऑलमोस्ट हमारा चिकन रेडी है, इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी और यहाँ पे हमारा चिकन बन चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही इजी भी है बनाना। आप लोग जरूर बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। इसे हम गर्मा गर्म इसमें हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं चिकन वगैरह के साथ में। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल पे नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। यहाँ पे हमारी लच्छेदार पराठे के साथ में चिकन हमारा रेडी है, खाने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।